बिलासपुर उच्च न्यायालय ने प्रदेश में 58% आरक्षण देने के राज्य सरकार के फैसले को किया रद्द। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दूसरे चरण में आज बालोद जिला पहुंचे मुख्यमंत्री। देश में अब तक 216 करोड़ 70 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। और प्रधानमंत्री स्वरोजगार सृजन योजना से आत्मनिर्भर बन रहे हैं कोंडागांव जिले के युवा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शीतला शुक्ला। अब समाचार विस्तार से। बिलासपुर उच्च न्यायालय ने प्रदेश में 58% आरक्षण देने के राज्य सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है। आज मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी और जस्टिस पीपी साहू की डिविजनल बेंच ने इस बारे में फैसला सुनाया। उच्च न्यायालय ने 50% से ज्यादा आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया है। गौरतलब है कि सन 2012 में तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह ने सरकारी नियुक्तियों, चिकित्सा और इंजीनियरिंग कॉलेजों के साथ अन्य कॉलेजों में प्रवेश पर 58% आरक्षण देने का फैसला किया था। सरकार के इस फैसले के खिलाफ डॉक्टर पंकज साहू, अरुण कुमार पाठक और अन्य लोगों ने अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी, विनय पांडे और अन्य के जरिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं ने अपने आवेदन में 50% से ज्यादा आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के खिलाफ और असंवैधानिक बताया था। इन सभी मामलों की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी और जस्टिस पीपी साहू की डिविजनल बेंच ने फैसला सुरक्षित कर लिया था। इस मामले पर आज उच्च न्यायालय ने अपना फैसला दिया और 58% आरक्षण को रद्द कर दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बालोद जिले के गुंडरदेही पहुंचे और वहां ग्रामीणों से भेंट मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर उन्हें शिक्षा के स्तर में सुधार, स्कूल कॉलेजों का नियमित निरीक्षण, लोगों की समस्याओं का जल्द निराकरण और मुख्यालय में रहने के निर्देश दिए। इस दौरान श्री बघेल ने गुंडरदेही में 190 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इसके तहत बालोद का शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज और विभिन्न नल जल योजनाओं का भी लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ग्राम माली घोरी में लोगों से भेंट मुलाकात की। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 216 करोड़ 70 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 13 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। इसी अवधि में करीब 5000 लोग स्वस्थ हुए। देश में इस महामारी से अब तक 4 करोड़ 39 लाख से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 5000 नए लोगों में संक्रमण की पहचान हुई है। वहीं प्रदेश में कल करीब 5000 सैंपलों की जांच में 21 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए। प्रदेश के 33 में से 10 जिलों में ही कोरोना संक्रमित लोगों की पहचान की गई। बाकी जिलों में कोई भी व्यक्ति इस बीमारी से संक्रमित नहीं पाया गया। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के निदेशक महेश चंद करदम इन दिनों छत्तीसगढ़ के प्रवास पर हैं। उन्होंने दुर्ग संभाग के विभिन्न ITI केंद्रों का निरीक्षण किया और कौशल उन्नयन के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली। इस दौरान दूरदर्शन समाचार से बातचीत करते हुए श्री करदम ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कौशल उन्नयन योजनाओं का बेहतर तरीके से क्रियान्वयन किया जा रहा है। क्षेत्र प्रभावित क्षेत्र है, मैंने जैसे बताया वहाँ के लिए एक अलग से स्कीम है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट, उसके तहत वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना और जो क्रिएटेड है उसको बढ़ाना, तो वो वहाँ पे हम लोग का जो प्रोग्राम्स केंद्र की तरफ से चल रहा है। इसके अलावा जो वहाँ पे जो राज्य सरकार है उसकी अपनी स्कीम है और कुछ एक क्षेत्रों में मैं गया हूँ वहाँ पे जो भी वहाँ पे उद्यम आए हैं उन्होंने अपने CSR के तहत वहाँ पे कोई ना कोई स्किलिंग की और लोकल वेलफेयर की जो वहाँ पे कार्रवाई और कार्यक्रम शुरू। इस अवसर पर श्री करदम ने ITI प्रशिक्षण पूरा कर चुके छात्रों को प्रमाण पत्र भी प्रदान किए। गौरतलब है कि केंद्र सरकार की कौशल उन्नयन योजनाओं का लाभ माओवाद प्रभावित इलाकों के साथ ही कमजोर आर्थिक वर्ग के युवाओं को मिल रहा है। दिव्यांग बच्चों के हुनर को लोगों के सामने लाने भिलाई में अभिव्यक्ति की उड़ान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें जिले के विभिन्न स्कूलों के दृष्टिबाधित और मूक बधिर बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।
कार्यक्रम में शामिल भिलाई इस्पात संयंत्र के प्रभारी निदेशक अनिर्बान दास गुप्ता ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से दिव्यांग बच्चों को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। और सबसे ज्यादा है कि इनके जो टीचर्स है या पेरेंट्स है जिनको कि इन बच्चों को तैयार करने में इतना पेशेंस लगता है, और हमारे जी फाउंडेशन को बहुत बहुत धन्यवाद। जी फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रही है और इन बच्चों के लिए स्पोर्ट्स, पेंटिंग कंपटीशन, कल्चरल प्रोग्राम ये जो ऑर्गेनाइज करती है, और बच्चों को जो जोड़ते हैं, जो अपने दुर्ग और उसके अगल बगल के जिले के जो बच्चों को जोड़ते हैं ये स्पेशल स्कूल्स के, वो काबिले तारीफ है। कार्यक्रम में दुर्ग जिले के पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने बच्चों की प्रतिभा की सराहना की। गो फाउंडेशन और नायर समाज के जो आज प्रोग्राम किया गया है वो एक समाज के लिए एक मैसेज है कि जो दिव्यांग बच्चे बड़े बच्चे हैं वो भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, और यदि उनको हम अच्छा माहौल दें, अच्छी ट्रेनिंग दें, तो वो भी समाज में किसी भी के साथ कंधे मिलाकर काम कर सकते हैं। एक सामाजिक संगठन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में दिव्यांग बच्चों और उनके प्रशिक्षकों को पुरस्कृत भी किया गया। बिलासपुर जिले में यातायात जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान पुलिस मेला और रूबरू कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें लोगों को यातायात संबंधी जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में संभागायुक्त डॉक्टर संजय अलंग ने कहा कि हादसों से बचने यातायात नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। मेला एक बहुत सशक्त माध्यम है जो जनता को संप्रेषित करने के लिए यातायात सुरक्षा के उपायों को, उससे संबंधित जानकारियों को और किए जा रहे उपायों को सब तक पहुंचाने के लिए, नई विधियों को, सुरक्षा को, और लोग इसमें बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं, और बिलासपुर पुलिस प्रशासन ने एक बहुत अच्छा आयोजन किया है, उन्हें भी बहुत बधाई, और अधिक जनता से अपील है कि वे अधिक से अधिक संख्या में आएं, चीज़ों को देखें और समझें और जो भी अपने सुझाव हैं उन्हें दें। कार्यक्रम में शामिल पुलिस महानिरीक्षक रतनलाल डांगी ने लोगों को रूबरू कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। SSP बिलासपुर के द्वारा एक इनोवेटिव एक आइडियाज़ के तहत एक रूबरू कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें जनता और पुलिस के बीच एक तालमेल के जो बढ़े, और साथ ही जितने भी यहां पर अदर देन पुलिस एजेंसीज है उनको भी एक स्टॉल दी गई है, और उनका क्या कार्य है वो लोग उसे परिचित होंगे। आप देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के वेपन्स जो है वो बच्चों को, लोगों को देखने को मिलेगा, ट्रैफिक से संबंधित है, साइबर जागरूक संबंधित है, और इंश्योरेंस रिलेटेड भी है, और जो जेल है उसके द्वारा जो एक मैन्युफैक्चरिंग जो किया जा रहा है उसका भी प्रदर्शन है। साथ ही आप देख रहे हैं कि बच्चों के लिए भी एक अच्छा माहौल तैयार किया गया जहां से वो खेल सकते हैं और एक मनोरंजन के रूप में, तो कुल मिलाकर के अच्छी शुरुआत है और निश्चित रूप से यहाँ के लोगों को भी फायदा होगा और पुलिस और पब्लिक के बीच एक समन्वय बनेगा। रूबरू कार्यक्रम में लोगों की समस्याओं का निदान भी किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पारुल माथुर ने सामुदायिक पुलिसिंग के बारे में लोगों को जानकारी दी। दिवसीय पुलिस मेला रूबरू का आयोजन जारी है पुलिस ग्राउंड बिलासपुर में, और इसमें इसी के साथ साथ आज एक सप्ताह का ट्रैफिक जागरूकता अभियान भी आज से शुभारंभ हुआ है। यह आज जो मेला है इसमें पुलिस विभाग के सभी प्रकार के स्टॉल्स यहां पर लगाए गए हैं, जैसे कि जिसमें साइबर जागरूकता, महिला सुरक्षा, हमारा पुलिस लाइन के जितने भी संसाधन हैं उसकी भी यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है, और इसके अतिरिक्त यहाँ पर CRPF के द्वारा, RPF के द्वारा, विधिक सहायता, जेल विभाग, फोरेंसिक टीम, सभी ने अपने अपने जो कार्य हैं उनकी प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई है। पब्लिक इनसे इंटरेक्ट कर सकती है और जानकारी प्राप्त कर सकती है, और इसको एक पारिवारिक माहौल देने के लिए फूड और गेम स्टॉल्स का भी आयोजन किया गया है। इसके अतिरिक्त जो एक सप्ताह के कार्यक्रम है उसमें RTO के माध्यम से जो लर्निंग लाइसेंस कैंप है वो एक सप्ताह तक यहाँ लगा रहेगा, और साथ ही साथ इंश्योरेंस कैंप भी एक सप्ताह तक यहाँ पर लगातार चलता रहेगा। कार्यक्रम में शामिल होने आए लोगों ने बताया कि रूबरू कार्यक्रम के जरिए उन्हें यातायात नियमों के बारे में जानने का अवसर मिला। हम लोयला स्कूल को रिप्रेजेंट करने यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर यातायात सप्ताह मनाया जा रहा है उसके लिए हमने अपना मॉडल प्रेजेंट किया है, और ये बहुत अच्छा प्रयास रहा है यातायात पुलिस के द्वारा। यहाँ पर हम अपने मॉडल के साथ आए हैं, हम अपने मॉडल के द्वारा ये बताना चाह रहे हैं कि बेसिकली जब मॉल के बाहर ट्रैफिक प्रॉब्लम होता है या स्कूल्स के बाहर ट्रैफिक जाम होता है तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उसको सॉल्व करने के लिए हमारे बच्चों ने सेंसर डेवलप किया है, वो सेंसर जब ट्रैफिक जाम होगा और सेंसर बजने लगेगा और लोग परेशान हो जाएंगे वो सेंसर की आवाज़ से, और अपने आप गाड़ियों को पीछे करेंगे और जगह
बनाएंगे, और वैसे ही मॉल के बारे में लोग नो पार्किंग में गाड़ियां लगा देते हैं, तो उसका प्रॉब्लम यह होता है कि वहां पर ट्रैफिक जाम होता है। तो अब जब कोई नो पार्किंग एरिया में अपनी गाड़ी लगाएगा, 8 मिनट बाद वो सेंसर बजना स्टार्ट होगा, वो सेंसर सीधे कंट्रोल रूम को इन्फॉर्मेशन देगा कि नो पार्किंग में। रूबरू कार्यक्रम में साइबर जागरूकता, साइबर सुरक्षा, महिला सुरक्षा, महिलाओं के अधिकारों की जानकारी के साथ ही फॉरेंसिक जांच के संबंध में भी लोगों को जानकारी दी गई। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री स्वरोजगार सृजन योजना कोंडागांव जिले के शिक्षित और हुनरमंद युवाओं के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना के तहत उद्योग लगाने के लिए 25 लाख और अन्य रोजगार के लिए 10 लाख रुपये का बैंक लोन युवाओं को उपलब्ध कराया जाता है। जिला उद्योग केंद्र में इस बारे में युवाओं को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक ए.के. टोप्पो ने बताया कि जिले में अब तक 372 लोगों को इस योजना का लाभ दिया जा चुका है। उद्योग केंद्र के माध्यम से शिक्षित बेरोजगारों के लिए प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना सृजन कार्यक्रम का संचालन किया जाता है, जिसमें जो युवक युवतियाँ जो बेरोजगार हैं वो अपने स्वयं के रोजगार स्थापित करने हेतु बैंक के माध्यम से लोन मुहैया कराते हैं, और उसमें उद्योग के लिए 25 लाख, सेवा व्यवसाय के लिए 10 लाख और का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। अभी तक कोंडागांव जिले में 372 लोगों को स्वरोजगार स्थापित करने हेतु लोन मुहैया करा गया है। इस योजना के माध्यम से युवाओं ने अपना रोजगार शुरू किया है और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इन्हीं में से एक रागिनी जायसवाल हैं, जिन्होंने महिलाओं के लिए जिम खोलने के लिए लोन लिया है। रोजगार योजना कार्यक्रम के तहत लोन लेकर के 5 लाख का लोन सेंक्शन करवा के अपना कार्य स्टार्ट किया था। मुझे फिटनेस के फील्ड में शुरू से ही रुचि रही है। बतौर प्रोफेशन मैं नेशनल प्लेयर भी रह चुकी हूँ बैडमिंटन के फील्ड में, और उसके बाद मैंने अपना फिटनेस का फील्ड स्टार्ट किया महिलाओं के लिए। पहले मैं एक जिम पे कार्यरत थी जहाँ पे मैंने कमर्शियल ट्रेनिंग दी है जेंट्स और लेडीज़ दोनों को, और उसके बाद फिर मुझे लगा कि जेंट्स के लिए ऑप्शन तो बहुत है बट लेडीज़ के लिए नहीं है, इसलिए मैंने ये अपना ये फील्ड जो स्टार्ट किया है सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर लेडीज़ उनकी हेल्थ को, उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए किया है। और अभी बस मेरा फोकस इसी पे है कि महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके स्वस्थ हो सके, अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान दे सके, अपने हेल्थ को मेंटेन कर सके। और जाहिर सी बात है, अगर एक महिला स्वस्थ होती है, अगर एक महिला शिक्षित होती है, तो उनका पूरा परिवार शिक्षित होता है, पूरा परिवार स्वस्थ होता है। इस तरह प्रधानमंत्री स्वरोजगार सृजन योजना के तहत बेरोजगार युवा आत्मनिर्भर बन रहे हैं और अन्य लोगों को भी रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD News पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD News लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD News फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिलासपुर उच्च न्यायालय ने प्रदेश में 58% आरक्षण देने के राज्य सरकार के फैसले को किया रद्द। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दूसरे चरण में आज बालोद जिला पहुंचे मुख्यमंत्री। देश में अब तक 216 करोड़ 70 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। और प्रधानमंत्री स्वरोजगार सृजन योजना से आत्मनिर्भर बन रहे हैं कोंडागांव जिले के युवा। इसी के साथ ये समाचार बटनी है समाप्त हुआ। नमस्कार।